उम्मीद करता हूँ कि आज सभी प्रदेश के मतदाता अपने वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार अच्छा निर्णय जनता ने हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता देगी। ऐसा बदलेगा सर इस पर पाँच साल मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अभी भी खराब रहा जो भी परफॉर्मेंस रही पिछले पाँच साल एज ऑपोजिशन उसको भी लोग देख रहे हैं और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई कर्नाटक में हिमाचल में उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा और पार्टी हमारी सोच हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए पाँच साल का उसको लोग आँक रहे हैं देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पाँच साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाना है। हम लोग तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है ना चुनाव लड़वा सकता है, पूरा टीम एफर्ट होता है और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष करकर हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे, पांच गुना हमारी सीट बड़ी, हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस बार हम सरकार में हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं, लोगों की संसाधनों से लोगों की मदद कर पाए हैं तो इसलिए थोड़ा काम आसान है। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उसको लोग बदलना चाहते हैं और प्रदेश के साथ देश में जो सरकार है उसको भी 10 साल से लोग देख रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी सब लोग देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो आप कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, जो बिखराव है, जो खिंचाव है, जो तनाव है वो भाजपा में है। हम लोग तो पहले भी एक थे, आज भी एक है और पार्टी को जरूरत आज है, पार्टी को जरूरत है हम स्टेट में चुनाव जीते, स्टेट्स में हम चुनाव तब जीतेंगे जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम इसी दिशा में काम करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि हम लोग बहुमत ला पाएंगे, इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं भविष्यवाणी इतनी कर सकता हूं कि मुझे जनता के वोट पर, जनता के विवेक पर विश्वास है। हमारा जो रिस्पांस कैंपेन का रहा, राहुल गांधी जी आए, खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आए, तमाम रैलियां की पूरे प्रदेश में, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट हुआ। भाजपा के कैंपेन में दम नहीं था, वो बहुत कोशिश उन्होंने की, प्रदेश के नेताओं से खूब करवाया, अंत में फिर बाहर के लोग आके यहाँ भाषण दे के गए हैं, लेकिन जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो कांग्रेस के साथ है। रिस्पांस हमको मिला वो बहुत पॉजिटिव है और हम लोग पिछली बार से ज्यादा बहुमत ला सकते हैं ऐसा मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री ने आपका नाम लेकर भी कई बार कहा और खासकर कई समय प्रधानमंत्री ने की मुझे खुशी होती है अगर केंद्रीय जनता भाजपा के यहाँ पे आकर अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं, उन्होंने कितना 10 साल में काम किया, राजस्थान प्रदेश को क्या विशेष परियोजनाएं दी है, राजस्थान को स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया है, इन्वेस्ट किया है, हमारे को हमारे अधिकार का पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो राजस्थान के लोगों के बारे में अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते, अपना विजन प्रस्तुत करते, हम लोग बात करते हैं नौजवान की, किसान की, बेरोजगारी की, महंगाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, इसकी चर्चा नहीं करना है। तो वो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं और मैं समझता हूँ कि जनता समझ रही है कि वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को करते हैं और बजाय इसके कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें, डेवलपमेंटल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का उदाहरण देने की कोशिश भाजपा को करनी चाहिए। वो काम हमने किया है इसलिए मुझे लगता है जनता हमको पसंद है।